आजसूपाती के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो धनखेरी में बांधना पर्व में शामिल हुए। कुर्मी सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि विरासत में मिले समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम बांधना पर्व को मनाते हैं। बांधना पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति का सबसे मजबूत स्तंभ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान चुनौतियों ने हमारे अस्तित्व पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर दिए हैं। लोग जिस विकास और सुविधा की बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ पुल पुलिया सड़क कल कारखाना नहीं बल्कि समाज और संस्कृति का विकास भी है। ये किसी भी समाज को समृद्ध बनाता है। सुदेश का ये भी कहना है कि भाषा संस्कृति और परंपराओं को बचाना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बदलते हुए परिवेश में युवा पीढ़ी की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें आगे बढ़कर हमारी संस्कृति के संरक्षण एवं परंपराओं को संरक्षित करने में भूमिका अदा करनी चाहिए। कुर्मी सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न समुदाय और खास करके कुर्मी समुदाय के लाखों लोग आते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।